अंडरगारमेंट का एक टोटका बता रही हूँ जिससे हर कोई आपके वश में होने लगेगा। इसके अलावा महिला अपने अन्य वस्त्रों का प्रयोग भी वशीकरण के लिए कर सकती है। घर के सभी लोगों को अपने अनुकूल बना सकती हैं, स्पेशली जिनको ससुराल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जिनकी कोई सुनता नहीं है, पति भी उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। उन स्त्रियों के लिए ये बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है जिसमें कुछ अलग से खर्चा नहीं हो रहा है। सिर्फ आप अपने कपड़ों के द्वारा ही वशीकरण कर सकते हैं, अपने वश में सभी को कर सकते हैं। वैसे तो अपने गुणों के द्वारा सबको वश में करने का प्रयास करें, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन फिर भी कहीं से भी बात नहीं बन रही है तो आप विशेष परिस्थिति में इनको अपना सकते हैं। लेकिन इन जो पावर है या ये जो जानकारी आपको दी जाती है, कभी भी इनका दुरुपयोग ना करें, नहीं तो ये निष्फल हो जाती हैं। इनकी चर्चा भी किसी से ना करें, अन्यथा ये कोई फल नहीं देती हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और नित नई ऐसी जानकारी आपको देती हूँ जो आपके जीवन को खुशहाल बना सके। लेकिन जो लोग मेरी बातों में भरोसा नहीं करते हैं, मैं उनको कभी बाध्य नहीं करती हूँ। मैं कभी नहीं कहती आपको कि आप मेरी बातों को मेरे द्वारा बताए हुए प्रयोगों को करें। मैं यहाँ सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाती हूँ। आगे आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं कि आपको ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये इसलिए बोलना ज़रूरी है, कमेंट्स में कई लोग बड़े भद्दे भद्दे गंदे गंदे कमेंट भेजते हैं, तो हमने भाई कब बाध्य किया आपको, हम तो सिर्फ जानकारी देते हैं, करना ना करना आपके आपकी बस की बात है। अगर आपको इनमें बिलीव नहीं है तो मत करिए, लेकिन मेरे भाई बहनों आप बुरा मत मानिएगा, मुझे ये जानकारी देनी इसलिए ज़रूरी है, बोलना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग इनमें विश्वास नहीं भी करते हैं और फिर वीडियो देख के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, इसलिए मुझे ये जानकारी देनी पड़ी। मैं जानती हूँ मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मुझ में अगाध विश्वास रखते हैं और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों से उनको फ़ायदा भी होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, अंडरगारमेंट, महिलाओं की अंडरगारमेंट महिलाओं को हमेशा छुपा के सुखाने चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई सदस्य आपका कहना नहीं मानता है और आपके वश में नहीं है, तो आपके अंडरगारमेंट से जो पानी टपकता है, अगर वो पानी किसी के सिर पर गिर जाए तो वो व्यक्ति वशीकृत हो जाता है। तो इस जगह आप अपने कपड़े सुखाएं जहाँ से थोड़े पानी की बूंद उसके नीचे से निकलने वाले लोगों पर पड़ सके। इसके अलावा ये बहुत ही प्राचीन टोटका है, पुराना टोटका है, जो बड़े बूढ़ों से मुझे ज्ञात हुआ था कि अगर कोई स्त्री अपना पेटीकोट सुखाती है और उसके नीचे से कोई निकल जाता है तो उस स्त्री के सारे कष्ट और विपदा उस पर चले जाते हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति उसका गुलाम भी बन जाता है और उसका उसके अधीन हो जाता है, मतलब उसी की बात मानता है। तो ये प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन अति आवश्यकता में ही इसको करें। इसके अलावा स्त्री का जहाँ ब्लाउज सूखता है उसके नीचे से जो मनुष्य निकल कर जाता है वो भी उसके अधीन हो जाता है। तो आपको जिनको वश में करना है, जो व्यक्ति अक्सर वहाँ से गुजरते हैं, उस जगह पर आप अपने कपड़े घर में सुखा सकते हैं। जो भी सदस्य आपके कपड़ों के नीचे से निकलेगा वो सिर्फ आपकी ही आपकी बोली बोलेगा, आपके ही आपके गुणगान करेगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं भी अपने आप को अच्छा और सर्वगुण संपन्न बनाना ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई आपका गुलाम बनता है, आपकी बातों को मानता है, तो आपका दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। ये नहीं कि कोई आपका गुलाम बन गया तो आप उसका शोषण करो, उसका बुरा करो, ये मत करना कभी भी। फिर कोई भी टूना टोटका आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप अच्छी भावना, अच्छे विचारों को लेकर नहीं चलते हो, तब तक आपका भी भला नहीं हो सकता। तो इसलिए सबका भी भला करें और अपना भी कल्याण करें, और ये प्रयोग तभी करें जब सब चीज़ें आप में आप निष्फल हो चुके हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपके अच्छे गुणों की कोई कदर नहीं कर रहा, आपकी बेइज्जती हो रही है, तब आप इस प्रयोग को करें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो काम में लेने की चीज़ है, आपके अंडरगारमेंट हो गए, पेटीकोट और ब्लाउज़, और पेटीकोट और ब्लाउज़ और ये जो आपके अंडरगारमेंट वगैरह हैं, इसको किसी कपड़े के नीचे सुखाएं, जैसे कि साड़ी डाल सकते हैं, कोई दुपट्टा डाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपके कपड़े किसी को दिखेंगे तो फिर भी ये काम नहीं होगा, इनको आपको छुपा कर ही सुखाने पड़ेंगे।